हे डेव्स, तो यार वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिटी इंजन के बारे में और जानेंगे इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट से लेकर के लाइसेंसिंग तक की सारी डिटेल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बाकी काम की चीजें जानने से पहले हम ये जानते हैं कि यूनिटी एक्चुअली क्या है। तो यूनिटी एक क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम इंजन है जो 2005 में रिलीज हुआ था। यूनिटी का यूज कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, फ्री फायर, कप हेड और अमंग अस जैसे ब्लॉकबस्टर गेम्स में हुआ है। यूनिटी में आप सी शार्प और जावास्क्रिप्ट का यूज करके डेस्कटॉप, मोबाइल, कंसोल के लिए 2D, 3D और VR गेम्स बना सकते हैं। बट अगर आप कोडर नहीं भी हैं तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। इसका भी एक अल्टरनेटिव है, वो है विजुअल स्क्रिप्टिंग। इसमें आपको बस इस तरह से तार जोड़ने पड़ते हैं, बट ये भी कोडिंग से कम नहीं है। लॉजिक आपको इसमें भी सेम लगेंगे। तो अब आ जाते हैं इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में। तो यूनिटी एक ऐसा इंजन है जो कि पावरफुल होने के साथ साथ इसके ना सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी कम है एज कम्पेयर टू अदर गेम इंजन्स लाइक अनरियल। खैर, नेक्स्ट वीडियो हम अनरियल पे ही बनाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। तो अगर OS की बात करें, अगर आपके पास विंडोज है तो आप विंडोज 7 में इसे चला सकते हैं, विंडोज 7 और उसके अबव। और अगर आपके पास एप्पल है तो आपके पास हाई सेरिया 10.13 और उससे ज्यादा होना चाहिए। अब आ जाते हैं रैम पे। तो अगर आपके पास मिनिमम रैम 4GB है तो यूनिटी आपके में ठीक ठाक चल जाएगा। बट अगर आपको स्मूथनेस चाहिए इंजन पे तो 8GB रैम विल बी इनफ। तो अब आ जाते हैं प्रोसेसर पे। तो यार जितने भी गेम इंजन होते हैं ना, इनमें आपको एक अच्छे GPU से ज्यादा एक अच्छे CPU की जरूरत होती है। ऐसा भी नहीं है कि GPU की बिल्कुल जरूरत नहीं होती यार, खैर रेंडरिंग तो आप उसी से करोगे, बट प्रोसेसर एक ज्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। तो डुअल कोर एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है यूनिटी का, बट रिकमेंडेड यही है कि आपके पास क्वाड कोर या हेक्सा कोर प्रोसेसर्स हों, लाइक i5 या फिर राइजन 5। और अगर GPU की बात करें तो आपके पास अगर 2GB VRAM वाला एक कोई भी GPU है तो उससे आपका काम चल जाएगा। तो अब आ जाते हैं लाइसेंसिंग पर। तो ये रहा यूनिटी का लाइसेंसिंग चार्ट। यूनिटी 4 लाइसेंसिंग सेक्शन में आता है, जो कि है पर्सनल, प्लस, प्रो एंड एंटरप्राइजेस। हर सेक्शन में आपको अलग अलग खूबी मिलेगी जो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इसमें से पर्सनल एकदम फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते। अगर आप एक बिगिनर हो, आप गेम डेव में अभी अभी घुसे हो, आप बहुत कुछ सीखना चाहते हो, तो पर्सनल एकदम ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं। प्लस, तो प्लस में एक चार्ज देना पड़ेगा आपको अबाउट $399 पर ईयर, जो कि होता है 30,000 पर ईयर इन इंडियन रुपीस। और इसका एक मंथली प्लान भी है जो कि है $40, विच इज 3,000 रुपये रफली। नेक्स्ट है हमारे पास प्रो। तो प्रो के लिए आपको $1,800 देने पड़ते हैं पर ईयर, जो कि रफली 1,35,000 है इंडियन रुपीस। साल भर का ये बहुत महंगा है, बट इसका एक मंथली प्लान भी है जो कि ये $150 का, विच इज 11,000 इन इंडियन रुपीस। ओके, तो अब आ जाते हैं यूनिटी के प्रोज और कॉन्स पे। नंबर वन, तो क्योंकि यूनिटी एक क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम इंजन है तो आप इसमें गेम बना के किसी भी प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर सकते हो, फिर चाहे वो मोबाइल हो, डेस्कटॉप हो या कंसोल हो। सेकेंड, तो यूनिटी की सिस्टम रिक्वायरमेंट स्टिल कम है एज कम्पेयर टू बाकी पावरफुल इंजन। इसको आप लो स्पेक पे भी चला सकते हो, जो कि एक बेस्ट चीज है अगर आप एक बिगिनर हो और आपके पास ज्यादा हाई एंड वाला PC नहीं है। इवन आप इसे लो एंड पे चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना मैंने सिस्टम रिक्वायरमेंट बताया आप उस पर ठीक ठाक चला सकते हो, जो कि बेस्ट है अगर आप बिगिनर हो, आप सीख रहे हो, इट्स ओके। थर्ड, एसेट स्टोर एंड एक्टिव कम्युनिटी। तो यूनिटी की वाइड एसेट स्टोर और एक्टिव कम्युनिटी से आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो तो इसमें YT के लिए आपको हद से ज्यादा ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो बेस्ट सोर्सेस टू लर्न फ्रॉम में आ जाते हैं ब्रैकी, कोड मंकी एक्सेट्रा। वैसे आप अगर YouTube पे घुसोगे तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कितने सारे होते हैं। वैसे यूनिटी का एक और प्लस पॉइंट है कि इसमें ये रॉयल्टी फ्री है, राइट? आप इस गेम इंजन से गेम बना कर जो भी कमाते हो, ये आपको कुछ रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी उस गेम की, आपका पूरा पैसा आपका है। बट वही है, लाइसेंसिंग के आपको पैसे देने पड़ेंगे पर मंथ या पर ईयर। तो अब आ जाते हैं कॉन्स पे। तो यार कॉन मेरे को एक ये लगा कि यार आई थिंक ये थोड़ा महंगा हो जाता है अगर आप बिगिनर हो तो। आपको हर मंथ का, इवन आप प्लस लो
तो आपको 3000 देना पड़ता है। तो ये एक दिक्कत है। वैसे इसकी एक अच्छी भी बात है, पर्सनल आपको एकदम फ्री मिल रहा है, तो बिगनर के लिए आप वो कंसिडर करो। बट या एक कॉन में ये आ गया कि यह एक महंगा एक इंजन है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे अनरियल इंजन के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।